करनाल के इंद्री के गांव मैनमती में एक एग्रो स्पेयर फैक्ट्री में आग लगने से भयानक हादसा होते होते टल गया है। आपको बता दें कि कृषि के लिए स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लगने से आसपास के एरिया में सनसनी फैल गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड इंचार्ज नरेंद्र ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक फैक्ट्री में आग लग गई है, जिसके चलते मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां भिजवाई गई। उन्होंने बताया कि इस आगजनी में किसी भी प्रकार की जान की हानि नहीं हुई है। यहां हम आपको बता दें कि करनाल के समीप मैनमती गांव में स्थित कृषि स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लगने से अफरा तफरी फैल गई। गनीमत यह रही कि इस आगजनी में किसी की जान नहीं गई। वहीं मौके पर पुलिस ने पहुंचकर सारे मामले का संज्ञान लिया। वहीं आग पर काबू पाने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रवाना हो गई। फायर ब्रिगेड इंचार्ज नरेंद्र ने बताया कि आग लगने का फिलहाल कोई कारण नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आगजनी हुई है। हाँ जी, आप यहाँ पर आए हैं, क्या सूचना मिली थी? मैं डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर करनाल नरेंद्र सिंह। हमें 5:25 पे सूचना मिली कि मैनमती के एक फैक्ट्री में आग लगी है, ऑयल में, तेल में। तो जिसके लिए मैंने अपने करनाल सेक्टर 4 से, जुंडला गेट से, गरोंडा से, नीलोखेड़ी से, सभी स्टेशनों से फायर गाड़ियाँ रन आउट कराई। और लेकिन आग ज़्यादा नहीं थी, दो ही गाड़ियाँ, जैसे पहली गाड़ी आई उसी ने अंडर कंट्रोल कर दी। और अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। भट्टी है, भट्टी में तो आग है, बाकी जो लाइन में या फर्नेस ऑयल में थी वो पूरी तरह बुझा दी गई है। तो कोई नुकसान हुआ? नुकसान है, थोड़ा टीन शेड जैसे इनका गिर गया है, थोड़ा छोटा टैंक है, आप देख रहे हो साइड में बड़ा टैंक है, इस टैंक को सुरक्षित बचा दिया गया है। बाकी साइड में जो इनका छोटा टैंक है, जो जिसमें आप देख रहे हो सामने, यहाँ पे लाइन इलेक्ट्रिक बता रहे शॉर्ट सर्किट हुआ और उससे ये आग लगी। कोई जान की हानि तो नहीं हुई? नहीं, अभी तक मेरे संज्ञान में कोई ऐसी चीज़ नहीं, जान हानि। अभी मालिक भी मेरे साथ ही थे। क्या नाम है फैक्ट्री का? फैक्ट्री का नाम अभी बताएंगे, डिटेल अभी लिखवा के हम लेंगे इनसे डिटेल में। फैक्ट्री का नाम अभी, क्योंकि हम तो आते ही काम करने लग गए थे, तो फैक्ट्री का नाम एड्रेस अभी लिखवाएंगे। क्या? थैंक यू सर। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक